नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में जो पीरियड्स की अनियमितता है उसके बारे में, और उसके लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है बायो कॉम्बिनेशन 15। तो उस मेडिसिन के बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये इरेगुलर पीरियड्स, ये बहुत आम समस्या आजकल हो गई है क्योंकि लाइफस्टाइल में जो चेंजेस आए हैं उसके वजह से ये पीरियड्स की महावारी की जो अनियमितता है वो बहुत ही कॉमन हो चुकी है। साथ ही में अदर रीजंस भी होते हैं पीरियड्स को अनियमित करने में, जैसे कि पीसीओडी नाम का एक डिसीज है जिसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, तो उसके वजह से भी पीरियड्स जो है वो इरेगुलर होते हैं। साथ ही में अगर आपके ओवरी का जो मैच्योरेशन है वो अगर प्री मैच्योर है ओवरीज, तो उसके वजह से भी आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर आ सकते हैं। या फिर महिलाओं में जो स्ट्रेस का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है उसके वजह से भी आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर आ सकते हैं। या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है उसके वजह से भी आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं। या फिर एंडोमेट्रियोसिस जैसी तकलीफ है, एंडोमेट्रियोसिस यानी कि एंडोमेट्रियल जो टिश्यूज होते हैं वो यूट्रस के बाहर चले आते हैं, यूट्रस को ब्रेक करके बाहर चले आते हैं, तो उसके वजह से भी आपको इरेगुलर पीरियड्स की जो परेशानियां है वो हो सकती है। या फिर यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, तो ऐसे बहुत सारी परेशानियां होती है। या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड यानी कि आपके गर्भाशय में आपको फाइब्रॉइड की गठिया हो जाती है उसके वजह से भी आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं। या फिर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है तो उसके वजह से भी हार्मोन का इम्बैलेंस होकर आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो सकते हैं। और स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ये जो रीजन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। तो ये सारे रीजंस है इरेगुलर मेंसेस के, इरेगुलर पीरियड्स के, आपके पीरियड्स में महावारी में जो अनियमितता आती है तो इस कारणों के वजह से आ सकती है। तो कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर होते हैं तो उस रीजन को ट्रीट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको पीसीओएस या फिर आपको स्ट्रेस के वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं या फिर किसी और रीजन के वजह से आपको पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं तो ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 15 अगर आप लेंगे तो आपके जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी है वो कम हो जाती है। ये जो मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन है बायो कॉम्बिनेशन 15, ये कैसे मदद करती है आपके पीरियड्स की जो अनियमितता है उसको दूर करने में, आपके पीरियड्स को रेगुलर करने में, इसके बारे में अब डिटेल में हम बात करते हैं। तो ये जो बायो कॉम्बिनेशन 15 ये जो टैबलेट है ये एक वेल बैलेंस बायो कॉम्बिनेशन है। ये जो बायो कॉम्बिनेशन है ये सॉल्ट से बनाया गया है जो डॉक्टर शूजलर से उन्होंने बायोकेमिक रेमेडीज को प्रूफ किया है। उनका कहना है कि शरीर में जो सॉल्ट है वो बहुत ही जरूरी होते हैं शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर के जो भी प्रोसेस है उसको चलाने के लिए। अगर उसमें कुछ कमियां आ जाती है, उसमें कुछ डेफिशिएंसी आ जाती है तो आपको तरह तरह के डिसीज हो सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो बायो कॉम्बिनेशन से जिन सॉल्ट का डिफिशियंसी है उसके लिए उन्होंने अलग अलग मेडिसिन जो है वो प्रूफ किए हैं। तो ये जो SBL बायो कॉम्बिनेशन 15 है इसमें बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मिले हुए हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये जो बायो कॉम्बिनेशन 15 मेडिसिन है ये आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, और आपके जो भी मेंसेस के रिलेटेड जो भी परेशानियां है उसको भी कम करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। इसमें क्या होता है, अगर आपको ब्राइट रेड ब्लड आपके मेंसेस में आता है, जल्दी आता है, तभी ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर डार्क रेड ब्लड आता है और वो पीरियड्स आपको लेट आते हैं तभी भी ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको अर्ली आते हैं पीरियड्स या फिर लेट आते हैं, फिर भी दोनों में भी ये मेडिसिन जो है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर जो यंग मतलब जो महिलाएं रहती है या फिर जो किशोरी अवस्था में जो लड़कियां रहती है उनमें अगर पीरियड्स कैंटी होते हैं यानी कि ब्लड फ्लो जो है वो कम रहता है पीरियड्स के वक्त, तो उन पेशेंट्स
में उन लड़कियों में भी ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो महिलाएं होती है उनमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है और मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा पेनफुल है तो उस वक्त भी ये मेडिसिन जो है बायोकॉम्बिनेशन 15 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके क्या की बेनिफिट्स हो सकते हैं उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो ये जो मेडिसिन है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि महिलाओं की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ देने का काम करती है। कैसे स्ट्रेंथ देती है, तो जो हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है तो उसको ट्रीट करती है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होते हैं, तो उस हार्मोन को बैलेंस करने का काम ये बायोकॉम्बिनेशन मेडिसिन है ये करती है। साथ ही में जो मेंस्ट्रुएशन का रिदम है उसको रेगुलर करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। ये मेडिसिन क्या करती है कि पीरियड्स के वक्त आपको जो बैकएक होता है तो उसको भी रिलीफ करने का काम करती है, और किसी महिलाओं में एनीमिया की तकलीफ होती है यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो परफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है एनीमिया की वजह से, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाने की वजह से, तो उसको ट्रीट कर आपके मेंसेस को रेगुलर करने का काम ये मेडिसिन करती है। आपके सर्कुलेशन में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है अगर आपका हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाता है, तो ये मेडिसिन क्या करती है हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है और उसके साथ आपके ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ाती है, इसलिए आपके बॉडी में जो भी ब्लड घूमता है जो भी ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट होता है, और इसके वजह से आपको जो वीकनेस आता है, वीकनेस की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आती है, महावारी में प्रॉब्लम आती है, तो उसको सुधारने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। साथ ही में जो आपके लोअर एब्डोमेन में आपको वेट महसूस होता है, क्यों महसूस होता है, अगर किसी महिला में मेंसेस जो है वो लेट आते हैं तो उनके ओवरीज जो है वो भर जाते हैं फॉलिकल्स की वजह से, तो उनको लोअर एब्डोमेन में वेट महसूस होता है, तो उसको भी ट्रीट करने का काम, उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो मेडिसिन है इसमें बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां मिली हुई है, अब उसके बारे में बात करते हैं ये मेडिसिन आपको कैसे मदद करती है। तो पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कैल्केरिया फॉस 3X। ये जो मेडिसिन है ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है, इसमें जो भी न्यू सेल्स बनते हैं तो उस न्यू सेल्स को बनाने का काम ये कैल्केरिया फॉस मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है फेरम फॉस। ये जो मेडिसिन है ये 3X पोटेंसी में ही इसमें मिली हुई है, तो ये मेडिसिन जो है हीमोग्लोबिन का जो कंपोजिशन है तो उस कंपोजिशन में जो प्रोसेस है उस कंपोजिशन की प्रोसेस को ये जो फेरम फॉस मेडिसिन है ये बढ़ावा देता है और अच्छी तरीके से उस हीमोग्लोबिन को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है कालीफॉस। ये जो मेडिसिन है ये नर्व सेल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है और आपका जो स्ट्रेस लेवल है जो वीकनेस है उसको कम करने का काम करती है। इमोशनली डिस्टर्ब अगर कोई पेशेंट है तो उसको इमोशनली स्टेबल करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है काली सल्फ। ये जो मेडिसिन है ये फेरम फॉस की तरह ही काम करती है, आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको बढ़ाती है और ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड सर्कुलेट करने में मदद करती है और साथ ही में आपकी स्किन को अच्छा रखने में मदद करती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है मैकफॉस 3X। ये जो मैकफॉस 3X मेडिसिन है ये मेंस्ट्रुएशन में जो पेन होता है बैकएक होता है उसको रिलीफ करने का काम ये मेडिसिन जो है ये करती है। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां है ये इस बायोकॉम्बिनेशन 15 टैबलेट्स में मिली हुई है। तो अब हम बात करते हैं ये जो मेडिसिन है इसका सेवन आपको कैसे करना है। तो ये जो मेडिसिन है ये टैबलेट फॉर्म में आती है, तो इसके 3 टैबलेट या फिर 4 टैबलेट आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम, खाना खाने के आधे घंटे बाद या फिर खाना खाने के आधे घंटे पहले इस मेडिसिन का आपको सेवन करना है। ये मेडिसिन आप लगातार इस्तेमाल करते हैं 4 या 5 महीने के लिए, तो आपकी जो मेंस्ट्रुएशन की जो भी तकलीफें है, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन की जो भी प्रॉब्लम से वो सॉल्व होने में मदद होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, और साथ ही में मेरे Instagram पेज को फॉलो कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए। और ये वीडियो जो है ये महिलाओं के लिए बहुत ही उपयुक्त है जिनमें महावारी की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उनमें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।